वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। करीब 45 लाख रुपए लगाकर शादी करने के बाद दहेज की मांग पूरे न होने पर एक महिला को ससुराल पक्ष ने घर से धक्के देकर निकाल दिया। आरोप है कि उसका बच्चा भी उससे छीन लिया गया। मेरठ के टीपी नगर थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर आज गुलाबी गैंग की महिलाओं के साथ पीड़ित महिला ने जुलूस निकालकर पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला का नाम ज्योति है और वह कुंज विहार थाना नौचंदी की रहने वाली है। 16 जनवरी को उसकी शादी दीपांशु से हुई थी। आज मीडिया को ज्योति ने यह जानकारी दी। मामला ये है कि मेरे ससुराल पक्ष की मारपीट करने के बाद जब मेरे घर वाले मुझे लेने गए तो कहते अपनी बेटी को ले जाओ, हम अपना पोता नहीं देंगे। कब का मामला है, कितने दिन पहले मारपीट हुई? 1.5 महीना हो गया। क्षेत्रीय थाना कौन सा लगता है? हम रहने वाले करके टीपी नगर में पुलिस को वो करी। टीपी नगर पुलिस का क्या कहना है? उनका कहना है पारिवारिक मामला, वही है कि जो वहाँ पे पुलिस वाले हैं उन्हीं की गौरव प्रधान जो ये मेन है उसमें उन्हें ये कहता रहता है पारिवारिक मामला है, लड़की का कुछ नहीं है, मारपीट भी कुछ नहीं है, सब बढ़ा चढ़ा। गौरव प्रधान रहने वाला कहाँ का? शाहपुर। आपका गाँव शाहपुर है? और हमारा गाँव रामनगर है। और जो मेरी शादी है दादरी में हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।